बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही स्पेशल से लच्छा पकौड़े बनने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक आलू लिया था जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया। उसी के साथ गाइस मैंने एक प्याज ली है, उसे भी हम जो है वो लंबाई में ही कट करेंगे। एक कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, एक कप ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और कुछ पत्ते यहाँ पर धनिया के, और इसी के साथ जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर, अजवाइन और गरम मसाले का इस्तेमाल किया, और 5 से 6 जो है मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं। गाइस अजवाइन हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इससे जो है वो पकौड़े जो है हम जब भी बनाते हैं तो वो हमें हैवी नहीं पड़ते, तो इसलिए आप अजवाइन का जो है वो इस्तेमाल किया करें। और दूसरी बात ये कि जब हम यहाँ पर पकौड़ों के लिए जो बैटर तैयार करेंगे उसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम पानी शामिल करते हैं तो उससे जो है वो हमारा मसाला जो है जो हम बैटर बनाते हैं वो काफ़ी जो है वो पतला हो जाता है और फिर उस तरीके के जो है वो पकौड़े बन नहीं पाते। इसलिए गाइस हम यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल के अंदर जो है वो प्याज और आलू शामिल कर देंगे, और इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं तमाम मसाले और आटे जो हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। और गाइस एक और चीज़, यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त हमें जो है वो पकौड़े बनाने होंगे जब हम फ्राई करने जाएँगे उस वक्त जो है मैं इसके अंदर जो है नमक शामिल करूँगी। गाइस ये जो पकौड़े बनेंगे इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे अमूमन जो है हम स्कूल या कॉलेजेस के बाहर जो है जो ठिए पर देखते हैं, और वो जो है हमें बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी गाइस यहाँ पर जो है मैंने तमाम चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मेक श्योर मैंने यहाँ पर ना पानी का इस्तेमाल किया है और ना ही यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया। ये दो चीज़ें मैं उस वक्त इस्तेमाल करूँगी जब हम जो है इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने जो है ऑयल को गर्म करने रख दिया है, और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर पकौड़े जो है वो फ्राई कर दूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें फूड कलर शामिल कर लिया, जो कि एक कमर्शियल तरीका है। इससे जो है वो पकौड़ों का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया, और इसी के साथ मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी कितना कम इसमें शामिल किया है। अब अच्छे से जो है हम इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप खुद देखिएगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने पानी और नमक जो है वो एक साथ एक ही वक्त में इसमें शामिल किया है। और इसके साथ हम इस तरीके से जो है इसे फ्राई कर देंगे, और फ्राई करते वक्त गाइस हमें जो है वो चम्मच नहीं चलाना। हमें जब तमाम जो पकौड़े जो हम तेल में शामिल कर देंगे इसके बाद हम 5 से 6 मिनट बाद जो है इसकी पोजीशन को जो है चेंज करेंगे। इससे पकौड़े जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं और इसका और ये टूटते भी नहीं हैं। तो गाइस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।